नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के गांव दड़बा कला में मौजूद हूं और आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से तेज वर्षा हो रही है, जिस कारण जो घग्गर ड्रेन है वो टूट चुका है। दड़बा के हालात हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो सैकड़ों एकड़ भूमि जो है जलमग्न हो चुकी है, आप इस वक्त का लाइव दृश्य देख सकते हो। तमाम प्रशासन के अमला जमला भी यहाँ पर जो है पहुंच चुका है। किस प्रकार जो है पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए? नाले का दरवाजा बंद है, पानी ज्यादा इधर आ गया जी। गाँव हो रहा है, ये पानी नाले का आ रहा है जी। ओटलू वाला घाट है, उसका दरवाजा बंद है, बंद के कारण इधर पानी ज्यादा छोड़ दिया। सारी जमीन है, जलमग्न हो गई है। ये जिपे लुपाना आया, माणक द्वान आया और दड़बा आया और लगभग नसरी चौकता माणक द्वान। ये धान ज्यादा होती है, नरमा भी होता है, ग्वार भी होता है, सब फसल खत्म। पालन खत्म हो गया, सारा खत्म हो चुके। अब करना क्या चाहो जी? कोशिश अभी बांधने के लिए। हाँ, मतलब कचरा ज्यादा हो गया, पानी हो गया फुल, सफाई हुई को नहीं। ये सरकार की कमी है। जैसी मशीन है, बाद में बुलाई गई है, बाद में बुलाई गई है। अब जनता खराब हो रही है, लोग बहुत परेशान। ये किल्लत अब क्या 2000 से ऊपर हो रहा है। ट्रैफिक कैसे तो है? बहादुर सिंह जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ जी जी, नमस्कार। एकड़ जो भूमि है वो जलमग्न हो चुकी है। सर, क्या कुछ कहना चाहो? जो ये पीछे से ड्रेन का जो पानी आया है, तो आगे जो घास है जो खड़ी है इसके अंदर, उसके अगर सफाई हो जाती तो इतना शायद नौबत नहीं आती। आगे सफाई नहीं हो रही, उस सफाई के कारण आगे पानी का बहाव रुक गया और यहाँ जो चूहे चाहे वहां बिल कर रखे उसमें पानी निकल करके वो टूट गया। यहाँ जो ड्रेन है जो, उसके कारण ये रोड के ऊपर है, पानी आ गया है सारा। इसके सफाई अगर करी जाए तो आगे बहाव ज्यादा चला जाएगा पानी का और ये पानी नीचे जा सकता है। मौके के सर क्या हालात है? मौके के हमें दोनों तरफ से व्हीकल है जो है वो डाइवर्ट कर दिया है, जो चौपटा से कर दिया वो वाया दड़बा कला होके आए। ऊपर से जो बीच वाला हैवी व्हीकल है जो हमने बंद कर दिया है, छोटा व्हीकल है जो मोटरसाइकिल कार जीप है उसको दिख रहे हैं, दलदल में कोई भारी वाहन फंस ना जाए, तो हमें दोनों तरफ से डाइवर्ट करवा दिया गया है जी। आपकी सर अभी ड्यूटी लगी है, तो किस प्रकार आप लोगों को, आने जाने वाले लोगों को हिदायत दे रहे हो? आने जाने वाले से मेरी यही अपील है कि आगे जो पानी जो कल से इसके ऊपर आया हुआ है तो इसमें दलदल बन चुकी है। अगर बाहरी वाहन या अपना वो लेके चलेंगे तो फंस जाएगी, तो निकालने वाले वाहन को भी दिक्कत होगी। तो मेरी अपील उनसे यही है कि आप थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर का जो डाइवर्ट करके और सीधा चौपटा जा सकते हैं और दड़बा कला से, और चौपटा से दड़बा कला से जी। तो ये थे हमारे साथ बहादुर सिंह जी, जो कि ट्रैफिक असत्व है और उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी प्रकार की आने जाने वाले वाहन है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो सड़क पर लबालब हो चुका है, ऐसे में खतरनाक हालात बन चुके हैं। तो ट्रैफिक असत्व बहादुर सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आने जाने वाले जो भी वाहन है वो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ जो है यहाँ से जाए, क्योंकि ये दलदल बन चुका है और इस दलदल के हालात में कुछ भी हो सकता है, खतरनाक हालात बन चुके हैं। और ये दड़बा कला जो गांव है, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ भूमि है वो जलमग्न हो चुकी है और घग्गर जो ड्रेन है वो टूट चुका है। इस वक्त की मैं सबसे बड़ी ये खबर आपको सिरसा जिले के गांव दड़बा कला की दिखा रहा हूँ। पी सर्कल रोड सिरसा में पहली बार आधुनिक तकनीक से विकसित स्वास्थ्य उपकरण आपकी सेवा में। घुटनों का दर्द, डिस्क दर्द, माइग्रेन, गठियाबा, लकवा, माइग्रेन या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, खेल कूद के दौरान लगी चोट, सर्वाइकल दर्द, कोहनी का दर्द, बैठने, खड़े होने या चलने फिरने में असमर्थता दिखाई देती है, तो आज ही मिशन वेलफेयर फिजियोथेरेपी में आए और अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए। मिशन वेल की टीम एक छोटी सी पहल कर रही है, गरीब व असहाय बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा।